हम ट्रैवल की को थोड़ा और आगे करते हैं, थोड़ा और एडवांस लेवल पे करेंगे ट्रैवल की। कैसे हम किसी फिंगर को ट्रैवल की से बाइंड कर सकते हैं ये बताता हूँ आज। मैं भी एक फिंगर के लिए दो जॉइंट्स ले रहा हूँ, जॉइंट वन, जॉइंट टू, जॉइंट थ्री। सीधा कर सकते हो सबके एक्स एक्सिस को जीरो करके, चीज याद रखना है जब भी कोई बॉन्स बनाओगे, इसे बोलते बॉन्स जॉइंट्स, इसके ना एक्सिस सबको सेलेक्ट कर लो। कैसे सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट में जाना और जॉइंट हायरार्की कर देना, जॉइंट्स करो मतलब सारी जॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगी, सेलेक्ट ऑल बाय टाइप जॉइंट्स। अब डिस्प्ले में आना, उसके बाद आता है ट्रांसफॉर्म डिस्प्ले में लोकल रोटेशन एक्सिस। याद रखना ये सेम होना चाहिए सबका, ये सेम होना चाहिए। और अगर किसी का बिगड़ा हुआ है, मान लो ये चेंज हो गया ना, तो ये सीधा करना मत भूलना। कैसे सीधा करते हैं, दो तरीके हैं। पहला तरीका ये सब ना आपस में पेरेंट है, चाइल्ड पेरेंट है, तो शिफ्ट की से अनपेरेंट कर दो। शिफ्ट पी, पी फॉर पेरेंट, शिफ्ट पी फॉर अनपेरेंट। तो सबके ना याद रखना रोटेशन में वैल्यू नहीं होनी चाहिए कभी भी जॉइंट्स में, जॉइंट्स में कभी भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जॉइंट्स की दो रोटेशन होती है, एक होती है रोटेशन, एक होती है उसकी जॉइंट ओरिएंट। तो आप इसका जॉइंट ओरिएंट जीरो करके आप उसकी एक्सिस ठीक कर सकते हो, जॉइंट ओरिएंट। और रोटेशन में भी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सबके एक्सिस सेम हो गए। अब सबको एक दूसरे का चाइल्ड बना दो, पी पी पी, ऐसे। कभी भी याद रखना रोटेशन अगर करनी है आपको, रोटेशन करनी है, अभी क्या आया रोटेट करके वाई एक्सिस में वैल्यू आ रही है ना, तो कभी भी रोटेशन यहां से मत कराना। अगर आपको रोटेशन वाई एक्सिस में करानी है तो रोटेट ना करा के जॉइंट रोटेट में करवाना, वाई एक्सिस में 25। इससे क्या होगा, इसका रोटेशन हमेशा जीरो रहेगा। मेक श्योर रिगिंग का पहला रूल है कि आपकी जॉइंट्स जीरो जीरो होनी चाहिए। दूसरा रूल है आपका कैरेक्टर ओरिजिन पे होना चाहिए जीरो जीरो, ताकि सिमेट्रिकल स्किनिंग हो सके। इसकी वैल्यू बेशक हो ट्रांसलेट की, रोटेशन जीरो हो, स्केलिंग हमेशा वन हो। अब दूसरा तरीका, अगर आपको ओरिएंट को ठीक करवाना है तो ओरिएंट ठीक करवाने के लिए आता है स्केल्टन में ओरिएंट जॉइंट। इस टूल के थ्रू अगर आपका कोई ओरिएंट बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक किया जा सकता है। तो अभी हमारा मेन जो फंडा था वो था ड्राइवन की। अब आते ड्राइवन की पे, ऑफ कर दो। उसका चार्ट बना दो,
इसके अंदर मैं रोटेशन स्केलिंग विजिबिलिटी नहीं चाहता, तो चैनल कंट्रोल के थ्रू एड कर दो, और अपना बनाना चाहता हूं तो एड एट्रीब्यूट। तीन बॉन्ड्स है तो मैं तीन एट्रीब्यूट्स बनाऊंगा, इंडेक्स वन और लेफ्ट राइट जरूर डालना, लेफ्ट अंडरस्कोर इंडेक्स वन। मैं चाहता हूं पहली फिंगर ऊपर 10 डिग्री तक जा सकती है और 90 नीचे तक जा सकती है। एड एल इंडेक्स वन, एल्बल मत लगाना आगे, इंडेक्स टू 0 to 90, इंडेक्स थ्री ये भी 0 to 90, एड। अब मैं चाहता हूँ इंडेक्स वन को बढ़ाऊं घटाऊं, तो ये वाली बॉल ऊपर नीचे हो, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका जेड एक्सिस बाइंड करना है। तो ड्रैगन की ले लो, पेरेंट है हमारा सर्कल, लॉर्ड ड्राइवर इंडेक्स वन, और इंडेक्स वन की जो चाइल्ड है ये वाली बोन है, और इसका जेड एक्सिस 0 पे 0 की कर दो। मैं चाहता हूं 0 पे 0 हो गया, मैं चाहता हूं -10 करने पे फिंगर ऊपर जाए, की और से 90 करने पे फिंगर नीचे जाए नियर अबाउट 80 या 90 डिग्री तक, की तुम्हारा पहला एट्रीब्यूट बन गया, -9 से और 10 से 90 तक ये 4 है। दूसरा चाहता हूं इंडेक्स टू, बॉन चेंज हो जाएगी, जेड 0 पे 0 इसको कर दो 90, तो इसका भी जेड हो जाए 90, की ये भी हो गया, बॉन थ्री इंडेक्स थ्री हो गए। मैं अगर तीनों को इकट्ठा करता हूं तो फिंगर फोल्ड हो रही है और ऊपर भी जा पा रही है, ऊपर किसी इससे ज्यादा जाएगी तो बॉन्ड टूट जाएगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। देखो हमारी फिंगर रिक हो गई। इसे एनिमेट करना चाहो एनिमेट कर सकते हो, कैसे, इन तीनों को राइट क्लिक करके की सिलेक्टेड कर दो और यहां से ऑटो की ऑन रखना फॉर एनिमेशन, और अब आगे कर दो मान लो 20 पे, देखो एक एनिमेशन बन गया फिंगर फोल्ड होते हुए, समझ आया।